संगीत से आपको फाइनेंशियल फायदा, आर्थिक लाभ कैसे हो सकता है? अगर आपका धन फंस गया है तो नियमित रूप से तेज ध्वनि का पाश्चात्य संगीत वेस्टर्न म्यूजिक हाई साउंड का सुनिए, लाभ होगा। अगर धन ना आता हो तो शुक्र को मजबूत करेंगे, इसके लिए सॉफ्ट रोमांटिक या हल्के संगीत को सुनने का प्रयास करें। अगर पैसे की बर्बादी ज्यादा होती हो तो शंख, घंटा और मंत्रों से युक्त संगीत घर में बजाएं या देवी देवता की आरती जिसमें शंख, घंटा और मंत्र हो उसका प्रयोग करें। अगर कारोबार में धन चाहिए तो कारोबार के स्थान पर जल तरंग का संगीत प्रयोग करिए, सुनिएगा। धन के लिए जितना सॉफ्ट, जितना मधुर और जितना आपके हृदय को आनंदित करने वाला संगीत होगा और जितना आप उसको गहराई से सुनेंगे, आपके लिए धन प्राप्त कर पाना उतना ही आसान होगा। प्रेम में, संबंधों में संगीत का बहुत ज्यादा महत्व है। संगीत के प्रयोग से आप अपने रिश्तों को कैसे मजबूत कर सकते हैं? जिनसे रिश्तों को मजबूत करना है उन्हें गजल या थोड़े से गंभीर संगीत भेंट करें। अब तो चूंकि कैसेट का जमाना नहीं है तो आप म्यूजिक का लिंक भी उनको भेज सकते हैं। अगर प्रेम में सफलता चाहिए तो ऐसा संगीत सुनिए जो प्रातः काल का हो। भारतीय परंपरा में हर वेला का अलग संगीत है, संध्या का, दोपहर का, रात्रि का, भोर का, आनंद का, उदासी का, जैसे छह रस हैं वैसे ही हर वेला का, हर रस का अलग अलग संगीत है। तो जो प्रातः काल का संगीत है वो आपको सुनकर मन में प्रेम में सफलता के लिए विचार करना चाहिए। अगर पुराने रिश्तों को ठीक करना है तो सितार के संगीत का प्रयोग करिए, और जब सितार का संगीत सुन रहे हैं उस समय आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करिए जिससे आप जुड़ना चाहते हों। देखिए, बहुत ज्यादा दुख के या विरह के संगीत को मत सुनिए। कभी सुन लिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दुख वाले गाने बड़े पसंद होते हैं, तो कभी सुन लिया कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दुख दर्द के संगीत सुनेंगे तो आपको रिश्तों में नुकसान होगा। संगीत के प्रयोग से आप अपने बिगड़े काम कैसे बना सकते हैं? इंटरव्यू के लिए अगर जा रहे हैं तो जो गाना, जो संगीत आपको सबसे ज्यादा पसंद हो उसे जरूर सुनकर जाइएगा, आप सफल होंगे। विवाह से संबंधित बात करने जा रहे हो या विवाह की बात बनाने जा रहे हो तो बांसुरी का संगीत सुनकर के जाइएगा, काम बनेगा। विजय प्राप्ति के लिए जा रहे हैं तो ऐसा संगीत सुनकर जाइए जिसमें शंख ध्वनि हो, आरती हो, स्तुति हो, शंख की आवाज हो, सुनकर जाइए, विजय मिलेगी। कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा के लिए जाने के पहले सितार का संगीत सुन करके जाइएगा, आपको लाभ होगा।
अगर आप सितार का संगीत सुन करके जाते हैं परीक्षा देने के लिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।